नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक और स्टॉक है बैंक सेक्टर का। बैंक का नाम है एक्सिस बैंक दोस्तों। और एक्सिस बैंक के स्टॉक में एवरेज ड्यूरेशन के हिसाब से यहां पर जो क्लोजिंग प्राइस बनती हुई देखने को मिल रही है दोस्तों आपके सामने 1,263.80 रुपये पर यहां पर स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस है। और एवरेज ड्यूरेशन के हिसाब से यहाँ पर जो गिरावट है प्रति शेयर पर 23.70 रुपये की यहाँ पर गिरावट है दोस्तों। और एवरेज ड्यूरेशन के हिसाब से यहाँ पर जो गिरावट रिटर्न है माइनस में 2% का यहाँ पर गिरावट रिटर्न भी बनता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एक्सिस बैंक का स्टॉक NSE BSE दोनों में यहाँ पर लिस्टेड है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्यारा छोटा सा लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो एक्सिस बैंक के स्टॉक में यहाँ पर 1,310.10 रुपये से लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी स्टॉक में 1,281 रुपये पर। फिर यहीं से बढ़ोतरी भी देखने को मिली थी स्टॉक में तो 1,302 रुपये पर। फिर यहाँ पर जो लगातार स्टॉक में एक सपोर्ट रेंज बनाते बनाते यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली एक सपोर्ट रेंज में। तो यहाँ पर दोस्तों जो गिरावट का सपोर्ट रेंज बनता हुआ यहाँ पर नजर आता हुआ देखने को मिल सकता है 1,260 रुपये के आसपास गिरावट का सपोर्ट रेंज है। और एक और सपोर्ट रेंज यहाँ पर गिरावट का सपोर्ट रेंज यहाँ पर 1,249 रुपये के आसपास का। और बाइंग के मोमेंटम यहाँ पर 1,270 हैं। और दोस्तों जो कि यहाँ पर 1,281 रुपये, 1,290 रुपये दोस्तों यहाँ 1,290 रुपये है, और 1,292 रुपये, 1,297 रुपये और 1,302 रुपये के आसपास भी बाइंग की मोमेंटम यहाँ पर नज़र आता हुआ देखने को मिल सकता है एक्सिस बैंक के स्टॉक में। तो अगर आपको सटीक जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्यारा छोटा सा लाइक करना ना भूलें। वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर निवेश करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।